राम ने यह किला अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उपहार में दिया था। त्रेता युग खत्म हुआ, पर इतने शानदार किले को इतिहास भुलाता थोड़ी है। इस महल में न जाने कितने साम्राज्य हुए और 14वीं शताब्दी में बांधवगढ़ ने खुद को पाया बघेल शासकों के हाथ में। मगर घने जंगल में आना जाना आसान नहीं था, और आखिर जब राजा विक्रमादित्य सिंह ने अपनी राजधानी रीवा में बसा ली तो कुछ ही समय में जंगल ने किले को एक बार फिर अपने आगोश में ले लिया और वर्चस्व स्थापित। वर्चस्व जंगल के राजा यानी बाघ का। बाघ का जब जब जिक्र होगा हिंदुस्तान के दिल में बसे इस जंगल का नाम शायद सबसे पहले लिया जाएगा। यहाँ के चप्पे चप्पे पर हजारों साल से उनकी मौजूदगी के निशान है, और आज भी बांधवगढ़ बाघों की घनी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। तभी तो हर साल यहाँ इतने लोग उसकी एक झलक के लिए दूर दूर से आते हैं, बल्कि कहते हैं जिसे यहाँ आके भी टाइगर नहीं दिखा वो सफारी में सो ही रहा। पर बांधवगढ़ हमेशा ऐसा नहीं था, कम से कम 20वीं सदी में बने। सालों तक इसे एक शिकारगाह की तरह इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिश राज की ठाट बाट में बाघ का शिकार आला दर्जे का शौक था। भला उस समय किसने सोचा होगा कि एक दिन गिनती के ही बाघ बचेंगे। पर आजादी के बाद अब भारत संभलने लगा था, और सरकार की नजर पड़ी देश की धरोहर उसके जंगलों पर। धीरे धीरे वन विभाग हरकत में आया और उसने वन संरक्षण से जुड़ी गतिविधि प्रारंभ करी, और 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आने से पहले ही बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत पूरे देश में खास तौर पर बाघों को बचाने की मुहिम चलाई गई, और कुछ ही सालों में बांधवगढ़ फिर से फलने फूलने लगा और बन गया बाघों का एक प्राकृतिक आवास। आज पूरे 50 साल हो गए इसे राष्ट्रीय उद्यान बने हुए। शुरुआत में केवल 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उद्यान के रूप में लिया गया, जो आज सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैले कोर एरिया का केवल एक अंश मात्र है। 72 की बात है जब बठान गांव को यहां से विस्थापित किया गया। 1993 में जब इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया तो साथ ही बचे हुए गांवों के विस्थापन का काम जोर शोर से चलाया गया, जिसमें जन समर्थन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काबिले तारीफ है उन रहवासियों का बलिदान जो अपना घर छोड़कर एक नई जगह अपनी बस्ती बसाने चल दिए। आज जिनकी जिद्दी में हम घूमने आते हैं ना, इनमें से ज्यादातर इन्हीं गांवों के बाशिंदे हैं जिनका बचपन इस जंगल में पैदल ही घूमते बीता है। और तो और लोगों ने सैकड़ों साल पुरानी अपनी मान्यता को भी त्याग दिया ताकि बांधवगढ़ में जंगली जानवर सुख से रह सके। शेषैया के रास्ते विष्णु के अवतारों को नमन करते हुए आसपास के गांव से लोग इन प्राचीन मूर्तियों के दर्शन के लिए आज भी आते हैं, लेकिन साल में केवल जन्माष्टमी के दिन बांधवधीश मंदिर स्थित लक्ष्मण के दरबार में। और उतनी ही मान्यता है संत कबीर की, जिनके भक्त यहां कबीर महोत्सव के आयोजन के लिए दूर दूर से पैदल घना जंगल पार करके आते हैं।